वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न करेंगे जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इलियड और ओडिसी किनके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, प्रश्न हमारा क्या है कि इलियड और ओडिसी किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है मेरे दोस्तों होमर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, कि इलियड और ओडिसी लिखा गया है किसके द्वारा, होमर के द्वारा लिखा गया है इलियड और ओडिसी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अब ऑप्शन बी दिख रहा होगा, एस्ट्रैम्बो। तो एस्ट्रैम्बो के द्वारा ज्योग्राफी का पुस्तक लिखा गया है, अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया है, और प्लिनी द एल्डर के द्वारा, प्लिनी का पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर, इनके द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों, कौन सा पुस्तक लिखा गया है, नेचुरल हिस्ट्री मेरे लाले एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। जियोसेंट्रिक अवधारणा मेरे दोस्तों है क्या, जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है। तो देखो दोस्तों, जियोसेंट्रिक अवधारणा में कहा गया था कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में है, यही है जियोसेंट्रिक अवधारणा, और इसको दिया गया था टॉलमी के द्वारा। दोस्तों, क्लेडियम टॉलमी के द्वारा जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया गया था। जो दोस्तों देखो, अब क्लेडियम टॉलमी ने क्या दिया, जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। जोहान्स कैपलर ने दोस्तों बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और नवीन खगोल शास्त्र का जो जनक कहा गया है, ये जोहान्स कैपलर को कहा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दिया गया। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, तो कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया। दोस्तों, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि निकोलस कॉपरनिकस दोस्तों इनके द्वारा दिया गया था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। दोस्तों, कॉपरनिकस कहाँ के थे, तो कॉपरनिकस पोलैंड के थे, और कॉपरनिकस ने अपने इस सिद्धांत में बताया था कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित दोस्तों है, और इसीलिए कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। कैपलर ने क्या कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। मेरे दोस्तों, कैपलर ने क्या कहा था कि सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट दोस्तों, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, और पोलिडोनियम को दोस्तों भौतिक भूगोल का जनक जो है वो कौन है, तो पोलिडोनियम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है, और भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो होता है, ये भारत और जापान के बीच होता है। मेरे दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, येल्लो रिवर का उद्गम स्थल क्या है। येल्लो रिवर दोस्तों कहां से निकलती है, तो ये निकलती है कुनलून पर्वत से। येल्लो रिवर को हांगो नदी के नाम से जानते हैं, और यह कहां से निकलती है, तो कुनलून पर्वत से निकलती है, और इसका मुहाना यह गिरती कहां है, तो पोहाई की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, यही येल्लो रिवर या हांगो नदी को दोस्तों क्या कहा गया है, तो चीन का शोक कहा गया है। मानसरोवर झील दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, याद रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में थ्री गॉर्ज डैम स्थित है। तो थ्री गॉर्ज डैम दोस्तों चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है, चीन में। देखो दोस्तों, यह डैम यांगसी टीक्यांग नदी पर बनाया गया है, यांगसी टीक्यांग नदी पर। यांगसी टीक्यांगो को यांगसी नदी के नाम से भी जानते हैं, और यह यांगसी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसी नदी पर के किनारे दोस्तों संघाई और वुहान शहर बसा हुआ है। और थ्री गॉर्ज डैम किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, तो यांगसी टीक्यांग नदी पर, जो चीन में दोस्तों है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी टीक्यांग नदी जो दोस्तों है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाले बम लालियो, कि बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि अलग करती है अलास्का को रूस से। बेरिंग जल संधि दोस्तों किसको किससे अलग करती है, तो अलास्का को रूस से अलग करती है बेरिंग जल संधि, याद रखना मेरे दोस्तों। बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है, तो अलास्का को रूस से अलग करती है बेरिंग जल संधि। मेरे दोस्तों, पब्बन द्वीप को श्रीलंका से दोस्तों, पब्बन द्वीप को श्रीलंका से
कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी मेरे दोस्तों कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी जो है ये पब्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करती है, याद रखना मेरे दोस्तों। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों देखो ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, रूसी मुख्य भूमि को रूस के सखालीन द्वीप से, रूसी मुख्य भूमि को रूस के सखालीन द्वीप से ततर जल संधि अलग करती है। कौन अलग करती है? ततर जल संधि दोस्तों, कौन अलग करती है? ततर जल संधि। अगला प्रश्न दोस्तों है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को किस महादेश से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। किससे अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से दोस्तों। और अफ्रीका से याद रखना, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दुनिया का जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएँ गुजरती है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धूमकेतु अंतिम बार किस वर्ष दिखाई दिया था? तो धूमकेतु दोस्तों अंतिम बार 1986 में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए कि 1986 में दिखाई दिया था। यह 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देगा। कब दोस्तों दिखाई देगा ये? तो अब 2062 में दिखाई देगा धूमकेतु दोस्तों। कब दिखाई देगा? 2062 में, सही कर लेना। कब दिखाई देगा मेरे लाली बम लाली हो? तो 2062 में दिखाई देगा दोस्तों धूमकेतु। अब पहले अंतिम बार कब दिखाई दिया दोस्तों? था 1986। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने पर लोनार झील का निर्माण हुआ है, यह झील किस राज्य में स्थित है? तो यह झील मेरे लाल एवं लालियों महाराष्ट्र में है, याद रखना। पंजाब में हरी के झील है दोस्तों, गुजरात में कौन सा झील है? थोल झील गुजरात में है दोस्तों, और हरियाणा में है दालमा झील। कौन सा झील दोस्तों? दालमा झील। देखो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण झील है जैसे कि बेम्बांड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, चिल्का झील ओडिशा में है, और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, डिडवाना झील राजस्थान में, सांबर झील, उदय सागर झील राजस्थान में है, पिछौला झील राजस्थान में है, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, रूपकुंड झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड दोस्तों, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, कुरपताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कांवर झील दोस्तों बिहार में है, और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है, डिडवाना झील कहाँ है यह बताओ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित विकल्प में विचार करें और सत्य विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित विकल्प पर दोस्तों विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है। तो मेरे दोस्तों पहला आपका ऑप्शन है IQQ चंद्र मिशन, पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन है दोस्तों, सही है। अभी हाल ही में IQQ मिशन जो है ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, और ये पाकिस्तान का अपना पहला चंद्र मिशन है। ये IQQ चंद्र मिशन जो है ये चीन की सहायता से लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये पाकिस्तान का पहला मिशन है जो चीन की सहायता से लॉन्च किया गया है। चंद्रमा का अध्ययन जो होता है वो सेलेनोलॉजी में होता है, चंद्रमा का अध्ययन किस में होता है? सेलेनोलॉजी में होता है, और चंद्रमा पर ही दोस्तों स्थित है लिबनिटीज पर्वत। तो ये तीनों विकल्प दोस्तों सही है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी विकल्प सत्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, मेट्टूर बांध, सही कर लेना, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध दोस्तों, मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध दोस्तों। कहाँ है? कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध मेरे लालेपम लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों जरा सा आप बताओ तो कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको मेरे लालेपम लालियो बताना है कमेंट बॉक्स में कि कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है मेरे लालेपम लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में, और इसके जो चेयरमैन है वो है आंद्रे अजेलो। तो इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को हुई, इसका आंसर हो जाएगा बी। मेरे दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, याद रखना यूएन की स्थापना हुई थी, और 29 जुलाई 1958 को मेरे लाल एवं लालियो नासा NASA नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई, और 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना हुई, इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन कौन है, यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन कौन है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। नासा के चेयरमैन कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथन। कौन है इसरो के चेयरमैन, तो एस सोमनाथन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन करें दोस्तों। देखो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है ये बेसबॉल है। अमेरिका का मेरे लाली बम लालियो राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। क्या है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, बेसबॉल। मेरे दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे लाली बम लालियो, तो आइस हॉकी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो ये विकल्प गलत है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल दोस्तों है ये वॉलीबॉल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। तो आप टिक क्या करोगे सत्य विकल्प वाले में, डी दोस्तों। देखो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जापान का जूडो, जैसे जापान जैसे जूडो। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। पाकिस्तान का हॉकी है। मलेशिया का बैडमिंटन है। बांग्लादेश का दोस्तों क्या है, कबड्डी है। श्रीलंका का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल दोस्तों है। क्या है, तो वॉलीबॉल है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। ब्राजील का फुटबॉल है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो मलेशिया का बैडमिंटन है और इंडोनेशिया का भी बैडमिंटन है। यूएसए का क्या है दोस्तों, अमेरिका का क्या है, बेसबॉल। स्पेन का क्या है, सांड युद्ध। कनाडा का क्या है, आइस हॉकी। भारत का क्या है, हॉकी। रूस का क्या है, फुटबॉल और शतरंज। स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल। और भूटान का तीरंदाजी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने किस तीर्थ स्थान के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड ने केदारनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए शुरू किया है। ऑपरेशन मर्यादा क्या शुरू किया है, ऑपरेशन मर्यादा दोस्तों। अब दोस्तों उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और राज्यपाल कौन है ये भी बताना है। मेरे लाली बम लालियो याद रखना, उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है। कौन सा, राजा जी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नया नाम है दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में ही है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रदर्शन किया। भारत ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सा मिशन का प्रदर्शन किया है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रदर्शन किया है। इसका आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये किस देश में किया गया है, तो न्यूजीलैंड में किया गया है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना हुई थी 1939 में दोस्तों। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई थी। और NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो याद रखना 1984 में हुई थी। तो गलत विकल्प दोस्तों क्या है, डी वाला जो है गलत है। यहाँ पर दोस्तों 1985 की जगह पर 1984 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन करें। जो गलत विकल्प है उसका आपको चयन करना है। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी ये एलिजाबेथ बोर्न थी दोस्तों। पहला सही है, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति ग्रेविल अटल बने हैं। तो मेरे लाली बम लालियो, फ्रांस के अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो ग्रेविल अटल हैं और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। तो जहाँ पर राष्ट्रपति है वहाँ पर क्या होगा, प्रधानमंत्री। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी दोस्तों, कि फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री ग्रेविएल अटल हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना। सिक्किम कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 22वां राज्य बना। जबकि 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दोस्तों इसे भारत का सहराज्य का दर्जा दिया गया था।
अब सिक्किम मेरे लाले बम लालियो, तो देखो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को हुई और यह भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम के जनजाति कौन है? तो लिपचा और भुटिया है। दोस्तों सिक्किम को बोला गया है पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से किसे जानते हैं सिक्किम को? सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है। सिक्किम पहले यह देश था और यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था और इसे सहराज्य बनाया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, जबकि इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। दोस्तों मेमन वन्यजीव अभयारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभयारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है। सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है, चीन से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और यहाँ पर दोस्तों नेपाल होगा, नेपाल से लगती है सिक्किम की सीमा मेरे लाली बम लालियो। तो सिक्किम की सीमा एक राज्य और तीन देश से लगती है, नेपाल, चाइना, भूटान और राज्य है अपना दोस्तों पश्चिम बंगाल। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान के पीएम कौन है? फुमियो किशिदा दोस्तों। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? मैंने तुरंत बताया आपको कमेंट दोस्तों, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, यह बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, मेरे दोस्तों किसकी अध्यक्षता में? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था। यहां सही कर लेना, कौन सा मिशन दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा मिशन आया दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन आया था। कब? 23 मार्च 1942 को भारत आया था दोस्तों। और यह भारत में कहाँ आया था? तो भारत में दिल्ली आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। डेट क्या था? 23 मार्च 1942 को आया था और यह कहाँ आया था? दिल्ली आया था। मैं दोस्तों अब देखो कैबिनेट मिशन के बारे में बात करते हैं, तो कैबिनेट मिशन दोस्तों कब आया था? तो ये 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, याद रखना मेरे लाली बम लाली को। देखो दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को आया था और जब यह आया था उस समय ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। दोस्तों इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो भारत विभाजन अर्थात पाकिस्तान की मांग कर रहा था और कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था क्योंकि कांग्रेस जो कह रही थी कि भारत अंग्रेज जो है वो भारत को टुकड़ों में बांट रही थी, इस कारण से कांग्रेस ने भी दोस्तों इसका विरोध किया था और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने दोस्तों किसे कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, तो याद रखना क्रिप्स मिशन को दोस्तों। किसे कहा था? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में ही हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, सही है दोस्तों। दोस्तों पहले हम सुन लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन है क्या, ध्यान से सुना दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और यह क्यों शुरू हुआ था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण कांग्रेस पार्टी को यह यकीन हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से उम्मीद करना व्यर्थ है और ब्रिटिश सरकार से दोस्तों उम्मीद करना व्यर्थ है और भारत छोड़ो आंदोलन को 14 जुलाई 1942 को वर्धा में दोस्तों प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव का अनुमोदन जो हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ग्वालिया टैंक मैदान बम्बई में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? बम्बई या मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम ने की थी। दोस्तों इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो मेरे दोस्तों अब देखते हैं विकल्प को हम, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, सही है। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया, दोस्तों ये भी सही है। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत, यह प्रस्ताव दोस्तों इसका अनुमोदन जो हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। उसके बाद यह प्रस्ताव दोस्तों, यह अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों जो है आपका ये 9 अगस्त को शुरू हो गया था। तो देखो यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर
दोस्तों ग्वालिया, ग्वालिया टैंक मैदान, कौन सा? ग्वालिया टैंक मैदान कहाँ दोस्तों है? ये बम्बई में है, मुंबई में है, और यहाँ क्या है? दिल्ली। तो दोस्तों गलत क्या है? डी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, कि देखो अगर भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान दोस्तों बम्बई में शुरू हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी, इस अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो की गई थी वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दोस्तों इस प्रस्ताव को पेश किया गया था, अनुमोदन किया गया दोस्तों इसका था। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा दोस्तों पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव, तो याद रखना मेरे लाल एवं लालियों, जो अगस्त प्रस्ताव दोस्तों है ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1937 का प्रांतीय चुनाव के तहत मद्रास के मुख्यमंत्री कौन बने थे? 1937 में दोस्तों प्रांतीय चुनाव कराया गया था। उस प्रांतीय चुनाव, उस समय जो प्रांत थे वो 11 प्रांत थे, और इस 11 प्रांत में दोस्तों 8 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिलती है, और 8 प्रांत में दोस्तों कांग्रेस पार्टी दोस्तों जीतती है और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। तो 1937 में प्रांतीय चुनाव के तहत मद्रास में मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो याद रखना दोस्तों महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने थे सिराज गोपालाचारी। लेकिन दोस्तों ये जो 8 प्रांत जहाँ पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी, इस 8 प्रांत में मात्र 28 माह के शासन के बाद कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया था दोस्तों। अब यह 8 प्रांत से त्याग पत्र क्यों दिया गया था? क्योंकि बिना कांग्रेस की सहमति से सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को शामिल किया गया था, और भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रही थी कांग्रेस, इसी कारण से दोस्तों क्या किया गया था? तो 8 राज्यों से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में, और अगर मैं पूछूं कौन से एक्ट के द्वारा, तो एक्ट हो जाएगा आपका 1935 का एक्ट। लेकिन कब किया गया था? 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, किस आयोग या कमीशन की सिफारिश पर, किस आयोग या कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी ये 1935 के एक्ट के द्वारा हुई थी दोस्तों। किस एक्ट के द्वारा हुआ था आरबीआई की स्थापना? तो 1935 के एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी, और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। वैसे आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे वो सर ऑसबर्न स्मिथ थे। अच्छा, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, ये भी आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को कहाँ किया था? साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को किया था, जिसमें लाला लाजपत राय की दोस्तों मृत्यु भी हो जाती है लाठीचार्ज के कारण। तो इसका विरोध लाला लाजपत राय ने कहाँ किया था? तो याद रखना मेरे लाल एवं लालियों, लाहौर में किया था। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहीं पर साइमन कमीशन का विरोध 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने किया था, और इनकी मृत्यु दोस्तों इसी दुर्घटना में, इसी घटना में लाठीचार्ज के दौरान दोस्तों हुई थी। ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। मेरे दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 को आया था। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन दोस्तों किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, गतिमान बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर दोस्तों धक्का लगता है, आगे की ओर धक्का लगता है, तो जब बस अचानक रुक जाती है तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? गतिमान बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगाता है, तो जब बस रुक जाती है तो यह किसकी व्याख्या करती है दोस्तों? तो यह जो व्याख्या करती है यह न्यूटन के पहले नियम की व्याख्या करती है। किसकी? तो न्यूटन के पहले गति के नियम की व्याख्या करती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है, और श्रीनगर दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, याद रखना दोस्तों। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, बैरीनाग झील है, मानस बल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। लद्दाख में दोस्तों कौन सा झील है? लद्दाख में कौन सा झील है? तो पेंगोंग झील है, और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भी दोस्तों लद्दाख में ही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साथिया
नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था साथी यह नृत्य शैली की शुरुआत दोस्तों 15वीं शताब्दी में, तो महापुरुष शंकर देव के द्वारा। साथिया किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है, साथिया किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है, तो ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है और इसकी शुरुआत जो की गई थी रागनी की देवी बाला सरस्वती के द्वारा की गई थी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान का संबंध जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य है। कई बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, एसएससी एग्जाम में खास करके पूछा जाता है ये। कथकली दोस्तों यह केरल का नृत्य है और इसकी शुरुआत करता दोस्तों कौन है, तो वी एम मेनन दोस्तों, ये मुख्य व्यक्ति हैं। और भी दोस्तों व्यक्ति संबंधित इनसे हैं, जैसे गुरु, कुंच कुरूप, गोपीनाथ, कोट्टलम, शिवरामन और रीता गांगुली का संबंध कथकली से है। ओडिसी दोस्तों, ओडिसी ओडिशा का मुख्य लोक नृत्य है और दोस्तों इसकी शुरुआत जो की गई थी इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फ्रेबी के द्वारा किया गया था। गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, सोरन लोवेन और मारियल वारवी का संबंध जो है यह किस नृत्य से है, तो ओडिसी नृत्य से है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 का ए हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए सॉरी दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। देखो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए और सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष की आयु दोस्तों सरपंच बनने के लिए चाहिए। देखो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष और सरपंच बनने के लिए आयु चाहिए 21 वर्ष। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफरे नहीं होते हैं, तो याद रखना वेल में गलफरे नहीं होते हैं। देखो दोस्तों कुछ जीव हैं और उस जीव के श्वसन अंग के बारे में जानते हैं। केचुआ जो सांस लेती है वो त्वचा के द्वारा लेती है, देखो वेल लेती है फेफड़े के द्वारा, मकड़ी और बिच्छू लेते हैं फुफ्फुस के द्वारा दोस्तों, कॉकरोच लेते हैं श्वास नली के द्वारा, देखो टैडपोल मछली और झींगा लेते हैं गलफरे के द्वारा, मेरे लाल एवं लालियों, मेढक लेते हैं त्वचा से, फेफड़े से और मुख गुहा से लेते हैं, उभयचर स्तनधारी और पक्षी लेते हैं फेफड़े से दोस्तों श्वास लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है कहाँ, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोस्तों निकलती है देवप्रयाग में, कहाँ मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग में मिलती है और उस देवप्रयाग के बाद इसका नाम हो जाता है गंगा नदी दोस्तों। क्या नाम हो जाता है मेरे लाल एवं लालियों, तो गंगा नदी नाम हो जाता है इस अलकनंदा का मेरे लाल एवं लालियों। अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग और उसके बाद दोस्तों इस नदी का नाम क्या हो जाता है, तो गंगा हो जाता है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ पर इसका नाम होता है भागीरथी नदी मेरे दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अलकनंदा कहां से निकलती है, तो अलकनंदा जो निकलती है ये बद्रीनाथ से निकलती है। आपको ये इमेज दोस्तों दिख रहा होगा, देखो बद्रीनाथ से दोस्तों अलकनंदा नदी, ये जो दोस्तों आपका है ये है अलकनंदा नदी दोस्तों। कौन सी नदी, अलकनंदा, यहां तक अलकनंदा के रूप में आती है और ये गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी और जब यहां पर आती है तो दोनों देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है और उसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा रिवर दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो धौली गंगा दोस्तों, धौली गंगा और बद्रीनाथ जहां मिलती है उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है मेरे दोस्तों, तो उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। देखो नंदाकिनी नदी, कौन सी नदी, अरे नंदाकिनी नदी, और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग। मेरे दोस्तों पिंडार नदी, कौन सा, तो पिंडार, और अलकनंदा जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। मेरे दोस्तों देखो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है रुद्र प्रयाग और अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ निकलती है उस जगह का नाम क्या है, देव प्रयाग। और देखना दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो है ये यमुना है, यमुना जो गंगा है मिलती है वो कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, तो प्रयागराज में मेरे लाली में लाली हो। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, चाइना मैन शब्द दोस्तों निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अब देखो दोस्तों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जी डी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देखो फुटबॉल भी जान लेते हैं, तो डी सी एम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप,
कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। अच्छा मेरे दोस्तों, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? निम्नलिखित में कौन सा जीव दोस्तों त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ जो दोस्तों है ये त्वचा से सांस लेता है, केचुआ लेता है त्वचा से सांस। मेरे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में दोस्तों कौन सा सही है? तो पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में प्रवर्धित करते हैं। सही है दोस्तों, पादप दोस्तों प्लांट जो है दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित मतलब ग्रहण भोजन के रूप में संग्रहित भोजन में प्रवर्तित कर लेते हैं। और पादप में पर्णहरित होता है, पादप में दोस्तों क्या होता है मेरे लाल एवं लालियो? सही है कि पादप में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। ए और एक और दो सही है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। दोस्तों याद रखना, कोशिका भित्ति केवल पादप में ही होता है और यहाँ क्या बोला है नहीं होता है, तो तीसरा गलत है, अर्थात सही कौन है? तो एक और दो दोस्तों सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मेरे लाल एवं लाली को। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंग जो है यह कैसी तरंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात ऐसे अगर राज्य के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात मेरे दोस्तों। अब अगर बात करूँ मैं नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूँ कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो निकलती है ये मध्य प्रदेश के मुलताई से निकलती है, मध्य प्रदेश के मुलताई के पास सतपुरा की पहाड़ी में निकलती है और गिरती है अरब सागर में, याद रखना मेरे लाल एवं लालियों। अब गोदावरी के बारे में जानते हैं। गोदावरी नदी को बोला गया है दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो गोदावरी है। और गंगा दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन सा बांध है? मध्य प्रदेश के एक डैम का नाम बताओ आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा में दोस्तों सौरिहंद बांध है, सौरिहंद बांध सतलज नदी पर हरियाणा में है। काकरा पारा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है, काकरा पारा परियोजना दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, पुष्कर मेले को किस नाम से जाना जाता है? पुष्कर मेले को किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्कर मेले को ऊँट मेला के नाम से जानते हैं। पुष्कर जो दोस्तों है ये राजस्थान में है, कहाँ पर है? और प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों ये भी पुष्कर में ही है। अब कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं जैसे कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ, काला घोरा काला महोत्सव मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, चदुम्बी महोत्सव असम, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल और सुरोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो नागालैंड में हुआ है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा 41वां प्रश्न है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है? तो याद रखना कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। देखो दोस्तों यह केवल पादप कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका भित्ति दोस्तों सेल वॉल जो है यह केवल और केवल पादप कोशिकाएं पाई जाती है और यह कोशिका को निश्चित आकार देने में मदद करती है, अर्थात यह कोशिका का बाहरी आवरण होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। दोस्तों कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? केवल पेड़ पौधे में पाई जाती है और यह क्या करती है? तो कोशिका को निश्चित आकार देती है और यह कोशिका का बाहरी आवरण होता है। याद रखना कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाया जाता है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डोडा बेटा निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा दोस्तों तमिलनाडु में है और यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सद्भावना शिखर है जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। सतपुरा की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर दोस्तों और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, याद रखना। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी
सी है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है, और इसी फेडरेशन कप में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। दोस्तों देखो, भुवनेश्वर में दोस्तों कौन सा कप का आयोजन हुआ है? फेडरेशन कप 2024 का आयोजन हुआ है दोस्तों, नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है। कटक में दोस्तों कौन सा स्टेडियम है? कटक में कौन सा स्टेडियम है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। वैसे कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, और चेन्नई में दोस्तों चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, चेन्नई में है, चिपक स्टेडियम चेन्नई में है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो उड़ीसा के राज्यपाल दोस्तों रघुवर दास हैं। देखो, सी बी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, और रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अच्छा दोस्तों, आप बता दो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा और लोकसभा कितना है तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों हमारा 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सिंह वाला गेंडा के लिए दोस्तों काजीरंगा प्रसिद्ध है, और ये दोनों नेशनल पार्क असम में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील पर दोस्तों है यह। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? लोकटक झील पर, और मणिपुर में है। तो एक और दो अभी तक दोनों सही है। देखो, काजीरंगा के बारे में मैंने तुरंत बोला ना कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां है? असम में है, और यह एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी दोस्तों यह गलत हो जाता है आपका है। तो उत्तराखंड के एक नेशनल पार्क के बारे में आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ओडिशा में दोस्तों, और यह दुनिया का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र है, भितरी कनिका नेशनल पार्क, यह कहां है? ओडिशा में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के अधिकतम देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो चीन दोस्तों, चीन की सीमा कुल जो लगी हुई है वह 14 देशों से लगी हुई है। देखो, चीन की सीमा अफगानिस्तान से लगी है, भूटान से लगी है, भारत से लगी है, कजाकिस्तान से लगी है, किर्गिस्तान से लगी है, लाओस से लगी है, मंगोलिया से लगी है, म्यांमार से लगी है, नेपाल से लगी है, उत्तर कोरिया से लगी है, पाकिस्तान से लगी है, रूस से लगी है, तजाकिस्तान से लगी है, और वियतनाम से लगी है। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों बोल्गा नदी है। अच्छा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। यूरोप की कौन सी नदी दोस्तों सबसे बड़ी है? तो बोल्गा नदी, याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम जो है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और यहां पर इसे यरलुंग तसांगपो कहा गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला गया? यरलुंग तसांगपो। मेरे दोस्तों, अच्छा, भारत में यह किस दर्रे के पास से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, महानदी, अब महानदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, सिवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा दोस्तों, गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी को ही कहा गया है दक्षिण भारत की गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? तो तो कितना बार आपको बताया, तो आप बता दो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में कि गंगा नदी कहां से निकलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो झेलम के युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों सही है कि झेलम के युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जानते हैं, और प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक जो था ये आम भी था, जो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सही है। दोस्तों देखो, यूनानी आक्रमण जो हुआ था वह सिकंदर के द्वारा हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता मकदूनिया के शासक थे। दोस्तों सिकंदर की माता का नाम क्या था? ओलंपियास था सिकंदर की माता का नाम। दोस्तों सिकंदर की माता का नाम क्या था? ओलंपियास था। और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा आखिरी प्रश्न 50वां प्रश्न दोस्तों यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर विजित प्रदेश को अपने सेनापति नियाकस को सौंपकर भारत से लौट गया था। दोस्तों यह विकल्प गलत आपका
आपका है, जो पहला आपका दोस्तों जो कूट है ये गलत है। सिकंदर दोस्तों अपने विजित प्रदेश को किसके हाथों में देके गया दोस्तों था, तो याद रखना सिकंदर अपना जीता हुआ प्रदेश दोस्तों किसको दिया था, तो ये सेलुकस निकेटर को दिया था। और नियाकस जो था ये सिकंदर के जाने के समय समुद्र मार्ग का सेनापति बन के गया था। देखो सिकंदर दोस्तों स्थल मार्ग से गया था और सिकंदर का कुछ सैनिक दोस्तों ये समुद्री मार्ग से गया था, तो समुद्री मार्ग का सेनापति सिकंदर ने किसको नियुक्त किया था, नियाकस को नियुक्त किया था। और सिकंदर स्थल मार्ग से गया था तो सिकंदर का समुद्री सेनापति कौन था, नियाकस था। तो ऑप्शन दो दोस्तों कूट दो सही होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी केवल दो सत्य। मेरे दोस्तों देखो सिकंदर जाने समय दोस्तों जब सिकंदर दोस्तों भारत से जा रहा था तो अपने जीते हुए प्रदेश को सेलुकस निकेटर को सौंप करके 325 BC में स्थल मार्ग से वापस चला गया और 323 BC में बेबीलोन में दोस्तों फारस के सूसा के पास बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो आप बताओ दोस्तों सिकंदर के बारे में आपने अभी जो भी सीखा उस कम से कम दोस्तों 5 प्रश्न दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में। यह जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में दें कि यह जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।